नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। हरियाणा के पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर ने कोरोना टीकाकरण के मामले में अमेरिका को पछाड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने 21 जून को ही देशवासियों के लिए मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की थी और अब भारत टीकाकरण के मामले में अमेरिका से भी आगे निकल गया है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में भी टीकाकरण को लेकर देशवासियों के नाम संदेश दिया था। मनीष ग्रोवर मंगलवार को रोहतक में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में जनता की समस्या सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसी के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कोरोना महामारी के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर लोगों को आगाह किया। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के दौर में लोगों को कोविड उचित व्यवहार को जरूर अपनाना चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री ने किसान आंदोलन को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस आंदोलन के पीछे वामपंथी पार्टियों का हाथ बताया। उन्होंने कहा है कि भोले भाले किसानों के कंधे पर वामपंथी राजनीति कर रहे हैं, हालांकि असली किसान खेत में है। मनीष ग्रोवर ने तीनों कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। कोड बना दिया, नंबर वन पे आ गया, अमेरिका से भी ज्यादा वैक्सीनेट हो गया। क्या भारत की जनता को जो देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा दूसरी कोरोना आपदा के बाद 21 जून को जो योगा दिवस का दिन था, उस दिन देश की जनता को मुफ्त वैक्सीन लगाने का जनता के प्रति को समर्पित की। 21 जून के बाद और 21 जून को ही 80 लाख से ऊपर लोगों ने वैक्सीन लगाया और आज 34 करोड़ के लगभग वैक्सीन देश की जनता ने लगा लिया है। आज अमेरिका से भी मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा आज भारत आगे है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की बात, मन की बात से ही जो लोग उन्होंने संदेश दिया है और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से बात करी, आदिवासी लोगों से बात की है और मोदी जी की बात को ध्यान से सुनते हुए देश की जनता ने वैक्सीन के लिए आगे बढ़कर आ रहे हैं। अच्छा, कोरोना का कह रहे हैं तीसरा डेल्टा प्लस वेरिएंट भी आ रहा है महामारी, क्या लोगों से क्या अपील करना? मैं तो आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं कि अपना वैक्सीन जरूर लगवाएं, मास्क जरूर लगाएं, दो गज की दूरी पर रहें। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है और यही सबसे बड़ा